टावर का जो है घोषणा हो चुकी है। कल शाम से ही पुलिस और प्रशासन ने जितने भी बोर्डिंग्स लगे हुए थे उनके ऊपर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। इसके अलावा जो भी अति संवेदनशील प्लस अति संवेदनशील या संवेदनशील चीज है उनका भ्रमण ऑलरेडी चल रहा है, बहुत सारों का कर लिया गया है, बहुत सारों का अभी चल रहा है। इसके अतिरिक्त जितना भी पुलिस बल है उसका एक बार आकलन कर लिया गया है। दंगा नियंत्रण जो हमारे पास है उनको भी देख लिया गया है, जो डिमांड है वो सब प्रेषित कर दी गई है। 151 107 16 गुंडा ऐसे लोगों का जो विचरण किया गया है जो कि चुनाव को किसी भी तरह से अफेक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई महोबा पुलिस द्वारा की जा रही है। अवैध शराब और शस्त्रों का अवैध शस्त्रों के ऊपर भी प्रभावी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। साथ ही ऐसे लोग जो पहले चुनावों में किसी तरह के उनके ऊपर अभियोग हुए होंगे ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है ताकि वे चुनाव को किसी भी तरह से असर उस पर ना डाल सके। मीडिया के द्वारा मेरे मैं ये अपील पुलिस तक से करना चाहूँगी कि निकाय चुनावों को अति शांति से कराए जाने हेतु मेरी जनता से अपील है कि वे कोई भी इस तरह की हरकतें ना करें जिससे कि इस तरह के चुनावों पे कोई भी असर पड़ सके। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और जो भी शरारती तत्व है उनके ऊपर निगाह रखी जा रही है और जो भी सोशल मीडिया पे भी पैनी नजर रखी जा रही है और कोई भी जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे उनको उनके ऊपर बहुत ही कठोर कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी और इस तरह से एक बहुत ही निष्पक्ष और फेयर बिल्कुल जो है निकाय चुनाव महोबा पुलिस और प्रशासन द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा।